न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी हां, राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर जिले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। FIR के बाद अब राजस्थान पुलिस उन्हें नोएडा और दिल्ली में ढूंढ रही है। बता दें, न्यूज लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बताया है कि चोपड़ा के खिलाफ सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने, साजिश रचने और दंगे भड़काने के अलावा देशद्रोह के गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई है। एक केस बूंदी जिले के सदर बूंदी थाने में दर्ज किया गया है, तो वहीं IPC की धारा 153A, 295, 295A, 120B लगाई गई है। वहीं दूसरी FIR डूंगरपुर जिले के बिचीवाड़ा थाने में दर्ज हुई है। तो देखा आपने किस तरीके से अब अमन चोपड़ा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही। इसी पर जानी मानी पत्रकार श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, 2 दिन से अमन चोपड़ा अपना शो नहीं कर रहा। राजस्थान पुलिस दफ्तर पहुंची तो वहां से भी गायब। पहले ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर यूट्यूब पर डाली वीडियो भी प्राइवेट कर दी। अब नोएडा से ही गायब हो गया, फिर भी कहता है मैं झुकूंगा नहीं। तो एक और यूजर ने लिखा, जब इनकी गोदी छूटेगी तो ये झुकेगा भी और इसका मोर भी बनाया जाएगा। मोर पता है ना कैसे बनाते हैं? तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ऐसे दंगई पत्रकार का गिरफ्तार होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पत्रकार दंगई पैदा करते हैं और दंगा रोकने के लिए दंगई पत्रकार का जेल जाना जरूरी है। उम्मीद करता हूं जेल भेजा जाएगा दंगई पत्रकार।